भाई ये सोने के बर्तनों में क्या बेच रहे हो? पहली बात है ये सोने की बर्तन नहीं है। हाँ ये तो सोने की लग रही है मगर ये तो है कॉपर के। इसमें जो चटनियाँ होती हैं, जो ये महंगी बर्तन है उसमें हम महंगी चीज ही रख सकते हैं। इसमें है अखरोट की चटनी है। ये चटनी यूज करते हैं हम बारबेक्यू के, जहाँ चिकन टिक्का है, फिश टिक्का है, मटन टिक्का है, पनीर टिक्का है, मशरूम टिक्का है और पाइनएप्पल टिक्का है। ये है पहले अखरोट वाली चटनी। अरे भाई इतना सारा ड्राई फ्रूट, इसमें ड्राई फ्रूट डाला हुआ है। ये वॉलनट की चटनी और ये है प्याज पुदीने की है। दूसरी होती है बादाम की, ये बादाम की चटनी है। ये चटपटी होती है, चटपटी होती है। और जो चौथा है वो है खीरे का अचार, खीरे का अचार। ये पूरी सब्जी लग रही है मगर इसका टेस्ट ही है अलग है, इसीलिए हम इसमें इन बर्तनों में यही चटनियाँ रखते हैं। होटल वालों के तरफ से रखता है 10 दिन के बाद वही देगा, नहीं यहाँ फ्रेश मिलेगा। बारबेक्यू के मतलब है कि वो बनना चाहिए कुछ, जो कस्टमर आएगा खाने के लिए उसको पैसे दे के मजा आना चाहिए। वेज में है पनीर टिक्का है, मशरूम टिक्का है, पाइनएप्पल टिक्का है। ये चाट मतलब वेज है, ये नहीं नहीं ये वेज रहते हैं, चटनियाँ पूरी वेज रहते हैं। पूरी वेज, हाँ चटनियाँ पूरी वेज। सारा कुछ आप ही बनाते हो? खुद बनाते हैं। चलिए अभी हमारा नॉन वेज और वेज के कुछ आइटम स्टार्ट करिए। आप कैसे बनाते हैं ये देखिए भाई, कितने पीस रहते हैं स्टिक्स में? मटन में 6 पीस रहते हैं सर। और चिकन में? चिकन में भी रहता है 6 पीस। पनीर में 5 पीस? पनीर में 5 क्यों? 5 पीस क्योंकि उसमें बड़ा पीस रहता है। ये मटन वाले स्टिक कितने की है? ये सारे 150 के है। कोई भी लो, कोई भी लो 150 एक स्टिक। आपका वक्त आ गया, इतने बड़े बड़े महंगे वाले बर्तनों से चटनियाँ निकालने का। हाँ जरूर। और ये हो गया बादाम की चटनी, बादाम की चटनी। ये खीरे का अचार। अचार आ गया। इसके अंदर आने वाला है हमारा लवासा। लवासा जिसको हम हिंदी में रोटी बोलते, बोलते हैं मगर हमारे कश्मीर में लवासा बोलते हैं। लवासा तोड़ के देते हैं, तोड़ के देते हैं। इसको रखो ऐसा और स्टिक के साथ इसको ऐसा रखेगा। मटन वाली स्टिक हमारी हो गई है रेडी, थोड़ा टाइम और लगेगा, दो मिनट 2 सेकंड लगेंगे। अच्छा ये इस तरीके से ही जाएगा, निकाला नहीं जाएगा? नहीं 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 ये खुद निकालेंगे। अच्छा तो ये 2 स्टिक्स हो गई 300 की। मैं यहाँ आता हूँ 3 बजे। तीन बजे आप सब तैयार करते हो? सब तैयार के, वो भी फ्रेश। और लतीक भाई? हाँ बोलिए सर। किसी को आना है तो एक बार लोकेशन बता दीजिए। जबर वन के सामने, जबर वन पार्क के सामने, घाट नंबर 19। 3 बजे से हम आते हैं, 3 बजे से 10 बजे तक। तो अगर आप कश्मीर आ रहे हो और आपका मन है बारबेक्यू खाने का और इतनी अच्छी चटनियाँ खाने का तो भाई लतीक भाई के पास जरूर आना। थैंक यू सो मच।